देखिए अगर ये रोड सही होता तो यह व्यक्ति भाई अपनी धर्म पत्नी को बैठा के लेके जाते आराम से, और सोनार के दुकान से नाक का नथिया दिलाते और कपड़े वाले दुकान से साड़ी दिलाते। भाई साहब सही बोल रहा हूँ ना मैं? सही है भाई साहब। से हम पूछ रहे थे, कह रहे हैं इस रोड पे मैं चलता हूँ तो गैस बन जाता है, इस इलाके की गोली खाना पड़ता है। सही बात है, एकदम सही, एकदम सही। आपको भी गैस बन जाता है? गैस नहीं, उससे भी ज्यादा दिक्कत होती है। अच्छा, ये रोड की हालत कब से है? अरे ये मुद्दत से ऐसे ही है। कितने सालों से आप देख रहे? अरे हम अपने होश आया था तभी से। अच्छा हाँ। तो मुझे लग रहा है वो कहावत सही होगी कि देखते देखते आपका बाल पक गया। हाँ, और आपका बाल भी पक गया। गोरखपुर एक्सप्रेस न्यूज देखने वाले सभी दर्शकों को गांव वाले रिपोर्टर का नमस्कार है। भाई साहब आप सोच रहे होंगे कि गांव वाले रिपोर्टर पानी में क्या कर रहे हैं, तो भैया ये पानी नहीं है, ये ब्लॉक रोड है और सिसवा नगर पालिका का ब्लॉक रोड है। और थोड़े दूर पे आगे जाएंगे तो विकास खंड सिसवा का बोर्ड भी लगा हुआ है, और उसी रास्ते यानी कि इसी रास्ते इस क्षेत्र के इस ब्लॉक के बीडीओ साहब गुजरते हैं, एसडीएम साहब गुजरते हैं, और कभी कभी महीने में एक बार ब्लॉक पे चेक इन करने जिलाधिकारी साहब भी आ जाते हैं। तो सवाल उठता है साहब, यह उत्तर प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि हम गड्ढा मुक्त उत्तर प्रदेश बनाएंगे, तो ये कौन सा गड्ढा मुक्त है? जवाब यहाँ के जनप्रतिनिधियों से चाहिए। अब यहाँ के रहने वाले नगर पालिका के लोगों से बात करेंगे, मोहल्ले वालों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कारण है, ताकि लोगों का कहना है, आसपास के लोगों से जब हमने बात किया तो उनका कहना है कि जब से हमने होश संभाला है तब से यह रोड नहीं बना है। तो आखिर कहीं ना कहीं इस क्षेत्र के अधिकारी जनप्रतिनिधियों की एक बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। चलिए यहाँ के लोगों से बात करेंगे, बात करके जानते हैं आखिर क्या बात है। सर कहाँ जा रहे हैं बड़ा सर के? अरे सर जी हम तो जा रहे हैं अपने घर, स्कूल से आ रहे हैं। अच्छा, और इधर सड़क का पता नहीं है, नाली में जा रहे हैं कि पक्की पे जा रहे हैं। सड़क से जाते हैं, कितना मजा आता है आपको? अरे ऐसा मजा आता है जैसे समझ लीजिए स्विमिंग पूल में तैर रहे हैं। अच्छा, तो बरसात के मौसम में पानी बढ़ जाता होगा? अरे एकदम हालत खराब हो जा रही है। क्या करते हैं आप? सर हम पढ़ाते हैं। मास्टर साहब हैं आप? जी जी। कितने सालों से इस रास्ते पे जाते हैं बताइए? अरे तकरीबन 6 महीने से। 6 महीने से? जी। 6 महीने से इसकी हालत ऐसी की ऐसी है ना? हाँ हालत तो खराब ही है, लेकिन फिलहाल प्रेजेंट टाइम में ज्यादा खराब हो गया है। प्रेजेंट टाइम में और ज्यादा खराब? बहुत ज्यादा खराब हो गया है। और मुझे लग रहा है बारिश आ गई तो थोड़ा और ज्यादा खराब, एकदम खराब हो जाएगा। जाना लगने अपना बता दीजिए। मेरा नाम है मोहम्मद अयूब। एक भाई साहब से हम पूछ रहे थे, कह रहे हैं इस रोड पे मैं चलता हूँ तो गैस बन जाता है, इस इलाके की गोली खाना पड़ता है। सही बात है, एकदम सही, एकदम सही। आपको भी गैस बन जाता है? गैस नहीं, उससे भी ज्यादा दिक्कत होती अच्छा। है। गैस बन जाए तो उसका इलाज है, लेकिन ऐसा है तो इसका कोई इलाज नहीं है। इलाज नहीं है ना? तो यानी हम ये कह सकते हैं भैया जिनके पेट में दिक्कत है वो इस रोड पे ना चले, अगर चले तो इस इलाके की गोली लेकर चले। वैसे किसी ब्रांड का मैं प्रमोशन नहीं करता हूँ, लेकिन इस इलाके अच्छी दवा है तो बता दे रहा हूँ। भाई साहब आपने बोला है कि जीवन में कभी नहीं बनेगा। सही बात है, कभी नहीं बनेगा। विश्वास है कि क्षेत्र के नेता नहीं बनवाएंगे? नहीं, इतने ईमानदार नेता हैं। एकदम एकदम सर। कितने सालों से? 10 साल हो गया कब कब। 10 सालों से ना? बस केवल चिप्पी पड़ता है और चिप्पी पड़ता है वो भी एक सीजन में टूट जाता है, खाली पंचर सड़ जाता है। तो जो आपके नेता जी लोग हैं वोट जब आप देते हैं तो उनसे सवाल नहीं करते हैं? वोट देते हैं तो क्या कर सकते हैं बताइए, केवल केवल वोट वोट के लिए आते हैं, उसके बाद आते ही नहीं है तो कहाँ खोजने जाए? तो क्यों नहीं पूछते हैं? हम अपना काम कर रहे हैं ना। विधायक तो आपने बनाया है, सांसद सर मिलेंगे, कोई भी सांसद हो या विधायक हो या सभासद हो या चेयरमैन हो, कोई मिलेगा तब ना। 5 साल में एक बार दिखाई देते हैं लोग, खाली चुनाव समय मिलते हैं बस, और उसका पीछे पीछे थोड़ी ना भागेंगे। नाम बताइए अपना। शैलेश। शैलेश भाई ने कहा कि मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये रोड कभी नहीं बनेगा। कहाँ जा रहे हैं चाचा जी, व्हाइट शर्ट टाइट टाइट करके? जा रहे हैं अपने घर। अच्छा हाँ। ये बताइए ये रोड की हालत कब से है? अरे ये मुद्दत से ऐसे ही है। कितने सालों से आप देख रहे हैं? अरे हम अपने होश आया था तभी से। अच्छा हाँ। तो मुझे लग रहा है वो कहावत सही होगी कि देखते देखते आपका बाल पक गया। हाँ। और आपका बाल भी पक गया। इतना विकास हुआ कि आपका बाल पक गया लेकिन रोड अभी तक नहीं बन पाया। सही बात है, सही बात। नेताजी लोग हैं वो रोड देते होंगे आप? हाँ। नहीं है कहा विधायक जी, कहा सांसद जी? बोलते हैं सब झूठ, बोलते हैं झूठ, बोलते हैं ना सब। झूठा ही है, झूठ बोलकर वोट ले लेंगे उसके बाद भूल जाएंगे। आपको क्या लग रहा है रोड बन पाएगा कभी? कभी नहीं बनेगा। नहीं बन पाएगा ना? नहीं। देखिए ये विश्वास होता है एक नेता के प्रति, ये कितना बड़ा विश्वास है, और इस क्षेत्र के नेताओं ने कितना विश्वास बनाया है नगर पालिका सिसवा के लोगों ने बोल के ये साबित कर दिया। हम आपको अब विकास खंड सिसवा यानी ब्लॉक का तस्वीर भी दिखाएंगे कि जिस रास्ते से एसडीएम साहब और बीडीओ साहब गुजरते हैं। सर क्या हालचाल है? ठीक तो नहीं है हालचाल। नया कपड़ा पहन के जा रहा है? ठीक तो नहीं है। कहाँ जा रहे हैं? बाजार में जा रहा है। इस रोड का हालत कब से ऐसा है? साल वर्ष हो गया।
कभी सही नहीं होता, कभी नहीं। दिन भर में कितना चक्कर जाते हैं? चार चक्कर में चार कपड़ा बदलते हैं। चार चक्कर जाने में चार कपड़ा बदलना पड़ता है, तब तो हमारा सौरभ का भी खर्चा बढ़ जाता होगा। अरे बहुत ज्यादा। तो अपने क्षेत्र के नेताजी लोग को बोलते नहीं है आप? हम लोग क्या बोले? नहीं बोलेंगे, खाली वोट देने जानते हैं, बस कुछ बोलना नहीं जानते हैं। क्या नहीं बोलेंगे? विधायक बनाए आप, सांसद बनाए आप, तो बोलेगा कौन? हम लोग बोला हुआ कोई सुनेगा? क्यों नहीं सुनेगा? कोई नहीं सुनेगा। अच्छा चलिए, हम बोल रहे हैं, लोग सुनेंगे। बताइए क्या बोलना चाहते हैं? अभी टाइम नहीं है। टाइम नहीं भाई साहब का, बताइए कैसे होगा विकास? भाई साहब के पास टाइम नहीं है, और नेता जी लोग के पास टाइम है तो टाइम कहीं और बिता रहे हैं। देखिए सिसवा नगर पालिका की तस्वीर, ब्लॉक रोड, और ब्लॉक रोड का वो रोड जहाँ पे सिसवा ब्लॉक के बड़े बड़े अधिकारी इसी रोड से गुजरते हैं। देखिए अगर ये रोड सही होता तो यह व्यक्ति भाई अपनी धर्म पत्नी को बैठा के लेके जाते आराम से, और सोनार के दुकान से नाक का नथिया दिलाते, और कपड़े वाले दुकान से साड़ी दिलाते। भाई जब सही बोल रहा हूँ ना मैं? सही है। कहाँ घर है आपका? पटखौली। पटखौली। तो पानी बढ़ गया इसीलिए भाई भौजाई को पैदल लेके जा रहे हैं? सही। क्या बाजार करने जा रहे हैं? जा रहे हैं सुई लगवाने। अच्छा, तो हमेशा ऐसी हालत रहता है? हाँ सही रहता है। अब तो आदत बन गई होगी, दिमाग में आ जाता होगा कि ब्लॉक पर जाएंगे तो पैदल चलना है भैया, चलना पड़ेगा। नाम बताइए। ग्यास राय। अच्छा आपका क्या नाम है भौजाई? संध्या। अच्छा तो आप हमेशा इस रोड से आती जाती हैं? हाँ। पानी तो हमेशा लगा रहता होगा? नहीं, आदत पड़ गई भाई। आदत पड़ गई ना। तो भैया चार पहिया वालों के लिए तो ठीक है, थोड़ा सा साकर ऊपर नीचे होगा, लेकिन साइकिल वालों के लिए दिक्कत है। क्या हाल चाल है? बड़े मुस्कुरा रहे हैं, मुझे देखकर मुस्कुरा रहे हैं कि पानी को देखकर मुस्कुरा रहे हैं? बताइए। स्थिति को देखकर मुस्कुरा रहे हैं, मतलब दर्द में भी मुस्कुराने की आदत डाल रहे हैं। क्या किया जाए, रामपुर खुर्द। तो यहाँ जॉब वगैरह करते हैं क्या? नहीं, प्रधान है रामपुर खुर्द के, आए थे ब्लॉक पर। अच्छा प्रधान जी है, देखिए प्रधान जी मिल गए हैं। प्रधान जी, विकास की बात तो आप भी करते हैं, अब आप अपने ब्लॉक पे आते हैं तो ये बताइए, आपके ब्लॉक का ही विकास नहीं हुआ है तो कैसे आपके गांव का विकास होगा? बताइए। गांव से ब्लॉक से रास्ते से मतलब नहीं है भाई, पर गांव का, गांव का विकास हुआ है। चलिए देखिए। हाँ चलिए, हम आपके गांव भी आएंगे, वो तो बात है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि ये जो ब्लॉक रोड है इस पर क्या कहेंगे, ताकि लगातार 5 साल आप आएंगे और पेंट उठा के आना पड़ेगा प्रधान जी को, कैसी स्थिति है बताइए आप? बहुत दयनीय स्थिति है, लेकिन क्या किया जाए। अच्छा कितने सालों से इस रोड को जानते हैं, आते जाते हैं? यानी हमको लगभग 10 साल तो हो ही गया लगभग। 10 साल में कभी ये रोड बना है क्या? नहीं बना, हर साल बनता है। अच्छा हर साल बनता है? हाँ। तो लोग बता रहे हैं कि चिप्पी साटा जाता। हाँ, है। वही होता है, वही होता है। पेंचर बनाया जाता। पेंचर बनाया जाता भैया, हवा निकल गया, दो पाइप मार दो, फिर पेंचर होगा तो देखा जाएगा। चलिए प्रधान जी, क्या नाम है आपका? अशोक कुमार। अच्छा कौन से ग्राम सभा प्रधान है? रामपुर खुर्द। चलिए बड़े विभागी साहब बोले, हम आपके गांव में भी आएंगे, आपके गांव के विकास की हम बात करेंगे। और देखिए भाई साहब हमारे जो है पैंट उठाकर चल रहे हैं, वो इसलिए चल रहे हैं कि भैया पानी तो नहीं दिख रहा है मुझे यहाँ पे, मुझे तो यहाँ पे विकास दिख रहा है। अब विकास कौन है इसमें से? विकास ये है कि ये है, अब ये लोग बताएंगे। चलिए इनसे बात कर लेते हैं। भाई थोड़ा तेजी से आओ, इतना धीरे आओगे, क्या हाल है? कहाँ घर है? घर बंगाल है। अच्छा बंगाल से आए, तो बताइए इस रोड पे चल के कैसा लग रहा है? कहाँ कर रहे हैं, कैसा लग रहा है बताइए, अपनी फीलिंग बताइए, कैसा लग रहा है? आनंद आ रहा है? कितना आनंद आ रहा है? बहुत आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। बंगाल से आए हैं, खिलौना बेचते हैं, कह रहे हैं बहुत मजा आ रहा है, लेकिन दूसरी भाषा में कह रहे हैं, आप लोग समझ लीजिएगा। भाई साहब कैसे हैं? ठीक है भैया। प्रधान जी आए हैं आपके, कोई जानने वाले बता रहे थे। देखिए प्रधान जी चार चक्का में बैठे हैं तो आपको दर्द नहीं होता होगा, लेकिन जो पैदल वालों को दर्द जरूर होता होगा, ये बताइए इस रोड के बारे में क्या कहेंगे? दर्द तो सबको है, दर्द है ना? बिल्कुल दर्द। तमाम महिलाएं देख रहे हैं कपड़े उठा के आ रही हैं, ये तो चर्चा का विषय है। और लोग बता रहे हैं कि 10 साल से, कितने लोग बता रहे हैं, जब तक हमारा होश था तब से इस रोड को ऐसी हालत में देख रहे हैं। तो आप कितने सालों से इस रोड को जानते हैं, इस रोड पे आते जाते हैं? बीच में बना था लेकिन वाटर लॉकिंग की वजह से टूट जा रहा है। अच्छा, थोड़ा सा इसका उच्चीकरण होना चाहिए और अच्छी गुणवत्ता से बनना चाहिए, ताकि आप नेता भी हैं लेकिन प्रतिनिधि के साथ साथ आप एक वोटर भी हैं। जी बिल्कुल। तो उसके नज़रिए से आप बताइए क्या होना चाहिए इसको? अच्छे तरीके से या तो PWD बनवावे जी, या फिर हमारा ब्लॉक बनवावे। तो कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि अधिकारियों की उदासीनता? बिल्कुल है, क्योंकि इसी रोड से BDO साहब गुजरते हैं, इसी रोड से ADM साहब गुजरते हैं, कभी कभी जिलाधिकारी साहब भी आते हैं। जी जी जी। तो कौन से गांव के आप प्रधान हैं? हरपुर पकड़ी के। अच्छा क्या नाम होगा आपका? प्रदीप कुमार मिश्रा। ठीक है प्रदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरे बात करने का मकसद ये था कि भैया फोर व्हीलर वाले तो निकल जाएंगे, टू व्हीलर वाले तो निकल जाएंगे, जिनके पास कुछ नहीं है वो कपड़ा उठाएंगे और भगवान भरोसे नैया पार करेंगे। तो देखिए कुछ माता जी लोग हैं, इनसे भी हम बात कर लेते हैं। कहाँ जा रही है माता जी? हम लोग अपने घर जा रहे हैं, ब्लॉक से आए हम लोग सामान लेने।
अच्छा, मतलब आंगनबाड़ी है? आंगनबाड़ी है। हाँ। तो कितने दिनों से हैं आप जाती रहती है इस रोड पे? अरे हम लोग का 20 साल हो गया। 20 साल में इस रोड की हालत कभी सुधरी की? नहीं सुधरी है, कभी नहीं सुधरी, कभी नहीं सुधरी है। अच्छा देखिए भाई साहब, मैं आप सबको बता दूं, हो सकता है इस क्षेत्र के आसपास के लोग झूठ बोल दे, लेकिन ये लोग गवर्नमेंट जॉब में है, ये लोग सही बता रही है कि 22 साल से आप जॉब कर रहे हैं और 22 साल से ऐसे ही कपड़े उठा कर जाना पड़ता है। जाना पड़ता है, ऐसे ही जाना पड़ता है। आप लोग इतने अधिकारी आते हैं, वो उनको नहीं दिखाई देता कि लेडीज आती है, कैसे आती है, कैसे जाती है। अधिकारियों से आप लोग शिकायत नहीं करते हैं? अधिकारी लोग को बताइए, जब आते हैं उनको खुद आंख है कि देख रहे हैं, बताइए ये इतने परिश्रम से सब लोग कैसे आती जाती है। बहुत दिक्कत है ना, बहुत दिक्कत है। तो अधिकारी लोग तो आते होंगे बड़ी गाड़ी से, उसमें बड़ा बड़ा साकर लगा होगा, पानी का एहसास नहीं होता होगा। आप जैसे लोग बताए, देखते हैं तो एहसास होता होगा कि आखिर में कैसे हमारी बहने ऐसे आती जाती होंगी। विजय लक्ष्मी, 22 साल से इसकी, हाँ हाँ, 2001 से हम लोग मतलब यहाँ ड्यूटी कर ऐसे पानी में आते जाते हैं। तो भैया कुल मिला के जो है भगवान भरोसे चल रही है कहानी, ब्लैक और व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट, कितना खुश नसीब समझ रहे हैं अपने आप को, ये बताइए पहले। क्या खुश नसीब समझा जाए, देख रहे हैं ओढ़ पहन के घर से निकले, पूरा जूता और कपड़ा पानी में भीग गया, कीचड़ में भीग गया, मजबूरी हम लोग आना जाना। लग से इस रोड की हालत ऐसी है? हालत इसका लगभग 15-20 साल से है। 15-20 साल से? हाँ जी, हाँ जी। तो ये बताइए, जब कोई यहाँ का जनप्रतिनिधि या फिर नगर पालिका के लोग जो हैं, इसको सही नहीं कराते हैं क्या? सही नहीं कराते ना, तमाम कई बार हम लोग शिकायत भी किए। हाँ, लेकिन शिकायत करने का कोई मतलब नहीं रहा, किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। यहाँ तक कि अधिकारी लोग भी, ब्लॉक के भी अधिकारी आते जाते हैं। ब्लॉक के अधिकारी तो जाते होंगे, वीडियो साहब जाते होंगे, एसडीएम साहब जाते होंगे। हाँ हाँ, जाते हैं लोग, बिल्कुल जाते हैं लोग, तमाम बड़े बड़े अधिकारी से रास्ते जाते हैं, किसी का ध्यान इधर नहीं आता। पता नहीं इस रोड के साथ सौतेला व्यवहार क्यों करते हैं लोग। हाँ, कहीं ना कहीं ताकि नगर पालिका भी अब हो गया शिशुआ, और विकास खंड का रोड है, ब्लॉक का रोड है, उसके बावजूद भी ऐसी हालत है। जी जी, ऐसी हालत है। यहाँ आपके बगल में सेंट जोसेफ स्कूल भी है, बच्चे तो रोज गिरते हैं, चोट लगता है बच्चों को, जो बच्चे साइकिल जाते हैं, साइकिल जाते हैं प्रतिदिन गिरते हैं। पानी बढ़ जाता होगा और दिक्कत होगी, बरसात में तो पानी 3 फुट होता है। अरे बाप, यहाँ मछली मारने वाली स्थिति पैदा हो जाती है, मछली भी मारते हैं लोग, और आने जाने वाले राहगीर सब यहाँ मछली भी मारने वाले जो होते हैं, मछली मारना शुरू कर देते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दयाशंकर सिंह है। अच्छा, तो दयाशंकर सिंह, देखिए आप बड़े स्मार्ट लग रहे हैं, लेकिन ये पानी जो है आपका स्मार्टनेस खत्म कर दे रहा है, इसके जिम्मेदार आपके क्षेत्र के नेता लोग हैं। तो भाई साहब, 3 फीट पानी में चलते चलते ब्लॉक रोड के गेट का दर्शन कर लीजिए आप लोग, कि सच्चाई पता चल जाए। और यहाँ पर अधिकारी, तमाम जनप्रतिनिधि यहीं से गुजरते हैं, निकलते हैं, फिर भी उनके कान में आवाज़ क्यों नहीं जाती है, ये सोचने वाला विषय है। अब इस वीडियो के बाद देखना है यहाँ के वीडियो साहब और यहाँ के विधायक जी और नगर पालिका के प्रशासनिक अधिकारी या फिर नगर पंचायत के जो नेता है, उनकी नज़र इस रोड पर पड़ती है या फिर वो फिर भूल जाएंगे, अब देखने वाली बात होगी। देखिए और इंतज़ार कीजिए, और गोरखपुर एक्सप्रेस न्यूज़ देखते रहिए, गांव वाले रिपोर्टर्स के साथ जुड़े रहिए।